खाने वाले हैं पोटैटो के समोसे, इसलिए हम पहले डो रेडी कर लेंगे। मैंने लिया है हाफ के जी मैदा, इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, हम डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ये 2, 3 और ये 4। अब हम इसे वापस से अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे हमारे समोसे खस्ता बनेंगे। अब हम इसे हाथों के मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो बनाते जाएंगे। हमें इसका थिक डो बनाना है। अब हम इसे अच्छी तरह से ऐसे नीडिंग करेंगे। ऐसा हमें 5 मिनट्स तक करना है ताकि डो सॉफ्ट हो जाए। अब हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे ढककर साइड में रख देंगे। अब चलते हैं हम स्टफिंग की तरफ। स्टफिंग के लिए चाहिए हमें पोटैटोज उबले हुए, हमने इस तरह से उसे मैश कर लिया है। हम लेंगे उबले हुए ग्रीन पीस। मसाले में हमें चाहिए है ग्रीन चिली, में हमने गार्लिक डाल के पीस लिया है दरदरा सा। हम लेंगे जिंजर, कद्दूकस किया हुआ, भुना जीरा पाउडर, पिंच ऑफ गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर हाफ टी स्पून और चाट मसाला हाफ टी स्पून। और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा धनिया। मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिए है, उसमें मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें ग्रीन चिली पेस्ट और अदरक डाल देंगे। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। इसके अंदर मसाले डालेंगे। हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें पोटैटो ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम समोसे बनाएंगे। हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमने अच्छे से चाट मसाला मिक्स कर लिया है, अब हम इसे साइड में कर देंगे। अब हम चलते हैं डो की तरफ। इसे हम वन टाइम वापस नीड करेंगे। अब मैं इसका वन पीस लूंगी। हमने लिया है रोलिंग पिन, हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है। अब हम इसे रोल कर लेंगे। इस तरह से मैंने बेल लिया है। अब हम इसे इस तरह से कट करेंगे हाफ। इसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब हम इसके ऊपर पानी लगाएंगे। और अब हम इसे इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम इसे कोन बना लेंगे। अब हम इसे इसमें स्टफिंग डालेंगे। अब हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए हमारा समोसा बनकर रेडी है। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी और हम लेंगे सेकंड वाला। इसे भी हम सेम करेंगे। इसमें फिलिंग डाल देंगे। इसी तरह मैं सब रेडी कर लूंगी। मैंने एक तरफ कढ़ाई में ऑयल डाल के गरम के लिए रख दिया है और हमने तेल गरम होने के बाद फ्लेम स्लो कर दी है। रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे टिश्यू पर निकाल दूंगी। देखिए हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना।
भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय।